अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सिटी हाई स्कूल में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाइन्थ क्लास सेल्स एंड टिश्यूज़ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसमें आपने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स अभी तक पढ़े, सेलुलर स्ट्रक्चर आपने पढ़ा। आज हम रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। क्लास, जैसा सेल ने फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसी हिसाब से ही उसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे उसकी शेप, देखेंगे कैसी है उसकी शेप, जो है वो लेंथ वाइज है या उसका जो है वो सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है। उसी हिसाब से जैसा, अगर तो फंक्शन उसने जो है वो पूरी प्लांट बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उस हिसाब से उसकी जो है वो शेप लेंथ वाइज ज़्यादा होगी। अगर उसने जो है वो थोड़े से एरिए में ही अपना फंक्शन परफॉर्म करना है तो इस हिसाब से उसकी शेप जो है वो थोड़ी सी छोटी होगी। तो यहाँ पर क्लास, हर सेल जो है वो इंडिविजुअल सेल जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले करता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी, यानी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में हर सेल अपना रोल जो है वो प्ले करता है। अब यहाँ पर क्लास, सबसे पहले हम देखेंगे साइज एंड शेप, साइज एंड शेप। आपकी बुक में यहाँ पर तीन उसने बताए हुए हैं साइज एंड शेप के हवाले से सेल, मैं भी उन तीन का जिक्र जो है वो पहले करती हूँ। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। सेकंड नर्व सेल्स। थर्ड जाइलम सेल्स। अब क्लास, सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का साइज भी बहुत छोटा होता है। रेड ब्लड सेल जो है वो कैसे होते हैं? ये होते हैं जी राउंड। अब ये राउंड जो है वो क्यों होते हैं, या राउंड शेप जो है वो क्यों होते हैं? टू अकोमोडेट ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन, क्लास आपको बताया था रेड ब्लड सेल जो है उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होती है। अब यहाँ पर रेड जो है राउंड शेप जो स्ट्रक्चर आपको बताया है, रेड ब्लड सेल जो है ये क्या होते हैं जी? राउंड शेप होते हैं। अब ये राउंड शेप क्यों होते हैं? क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होती है उसका स्ट्रक्चर होता है ग्लोब्यूलर। अब उसका स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर होने की वजह से रेड ब्लड सेल जो है वो भी क्या होते हैं? गोल होते हैं, राउंड होते हैं। ग्लोब्यूलर मीन होता है जी क्लास बॉल की तरह या ग्लोब की तरह, आप कह लें ग्लोब या बॉल की तरह। तो उसकी वजह से चूँकि इसने वहाँ पे फंक्शन, इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, यहाँ पर उसने ये फंक्शन परफॉर्म करना है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो है उसकी अपनी शेप जो है वो भी क्या होती है? राउंड होती है, ताकि वो इसके मुताबिक एडजस्ट हो सके और अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट क्लास, यहाँ पर है जी नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं। नर्व सेल्स ये होते हैं जी लॉन्ग। ये लॉन्ग क्यों होते हैं? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इन्होंने नर्व इम्पल्स पूरी बॉडी में क्या करनी होती है? उसकी ट्रांसमिशन करनी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल
वेव्स लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होती हैं क्लास, नर्व इम्पल्स जिसे आप कहेंगे, जो कि करंट की तरह जो है वो फ्लो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने जो है वो चलना है तो ब्रेन से जो मैसेज आएगा नर्व सेल के थ्रू, न्यूरॉन सेल के थ्रू जो मैसेज आएगा उसमें नर्व सेल के अंदर क्या फ्लो करेगी, उसमें नर्व इम्पल्स जो है वो फ्लो कर रही होगी। किस में फ्लो कर रही होगी? नर्व सेल में या न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स फ्लो करेगी लाइक अ करंट, बिल्कुल करंट की तरह ये फ्लो करती है। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव लाइक वेव होती हैं जो कि मूव करती हैं, लेग के मसल को ऑर्डर मिलता है कॉन्ट्रैक्शन का और फौरन ही इंसान चलना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर हम लोगों ने कोई चीज़ पकड़नी है उस दौरान में क्या है जी, जाहिर है क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैंड मसल्स और आर्म मसल्स। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर कौन दे रहा है? ये ऑर्डर ब्रेन दे रहा है। लेकिन जब ये ब्रेन ऑर्डर देगा तो वहाँ से क्या है जी, न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स जो है वो फ्लो करेगी और नर्व इम्पल्स फ्लो करके कहाँ आएगी? आर्म में आएगी, आर्म से हैंड में आएगी, पूरे आर्म के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो चीज़ पकड़ने की पोजीशन में होंगे या हम लिखने की पोजीशन में होंगे। तो जिसकी वजह से क्या है जी, नर्व सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। अगर कोई इंसान जो है वो भागना शुरू कर दे, आपको पता है भागने की पोजीशन में दोनों आर्म भी मूव करती हैं थोड़ा सा और जो है वो लेग्स के जरिए तो भागना ही भागना है, यानी पूरी बॉडी के जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो एट अ टाइम ब्रेन जो है वो ऑर्डर करता है तो वहाँ से नर्व सेल में जो नर्व इम्पल्स फ्लो करेगी वो दोनों आर्म में भी जा रही है, दोनों लेग्स में भी जा रही है, दोनों आर्म के मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों लेग के मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके नतीजे में इंसान जो है वो भागना शुरू कर देता है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो आगे आपने जो है वो डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। यहाँ पे भी आप ये देख लें कैसा जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है। ये है जी नर्व सेल, ये इसमें न्यूक्लियस मौजूद है, ये इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद है, ये इसकी नर्व्स जो हैं वो एंडिंग्स हैं, ये इसमें डेंड्राइट्स होते हैं जिनके ज़रिए से आगे जो है वो मैसेज जाता है, ये जी इसमें न्यूक्लियस है, ये सारा पोर्शन एक्सॉन का है, ये 8th क्लास में भी क्लास आप पढ़ चुके हैं, ये सारा एक्सॉन का पोर्शन है, ये सारा पोर्शन इसमें सेल बॉडी का होता है। तो यूँ ये होता है क्लास, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसमें माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड जो है वो शीट यहाँ पे मौजूद होती है। नर्व इम्पल्स यूँ जंप करती है, नोड टू नोड जो जंप करती है, जिसके नतीजे में फौरन ही हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको बताया समझाने के लिए नर्व सेल का, कि नर्व सेल जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, इनमें क्या चीज़ फ्लो करती है, इनमें नर्व इम्पल्स फ्लो करती है और आगे जो है वो हम उसके नतीजे में रिस्पॉन्स शो करते हैं, हमारे बॉडी के मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। अगर हमने भागना है तो लेग के मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे, अगर हम लोगों ने लिखना है कोई चीज़ पकड़नी है तो उसके नतीजे में हमारी आर्म के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी तक आपने रेड ब्लड सेल जो है उसका पढ़ा कि ये राउंड होते हैं, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से, क्योंकि वो खुद ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। नर्व सेल जो होता है ये लॉन्ग होते हैं क्योंकि इसने पूरी बॉडी के अंदर क्या करना है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स करनी है, इसका फंक्शन ज़्यादा बड़ा है जिसकी वजह से इसका नेटवर्क भी ज़्यादा बड़ा है और इसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। उसके बाद क्लास तीसरा जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स जो होते हैं ये ट्यूब लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, जाइलम सेल्स। अब पूरी जाइलम सेल्स जो होते हैं, जिस तरह क्लास हमारे अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज,
इनका नेटवर्क जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है। इसी तरह जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर जो है वो जाइलम सेल्स जो हैं, जाइलम टिश्यूज, जाइलम सेल्स, इनका नेटवर्क जो है वो पूरी प्लांट बॉडी में फैला हुआ होता है। अब इन्होंने भी चूँकि पूरी प्लांट बॉडी में अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, तो ये क्या है जी, इनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, ये ट्यूब लाइक इनका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ये आगे क्लास आपने इसकी जो है वो डिटेल पढ़नी है। तो ये ट्यूब लाइक जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है। अब जाइलम सेल्स जो होती हैं इनकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिक वॉल्ड। जाइलम सेल्स कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। थिक वॉल्ड क्यों होते हैं, फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर, क्योंकि इन्होंने पूरी प्लांट बॉडी को क्या करना है, वाटर सप्लाई करना होता है। तो दे आर थिक वॉल्ड और ये क्या करते हैं, फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। इसके अलावा ये प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, क्योंकि इनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होती हैं तो ये प्लांट को सपोर्ट भी देते हैं। तो यहाँ पर आपने साइज एंड शेप में तीन सेल्स पढ़े, रेड ब्लड सेल पढ़ा, नर्व सेल्स पढ़ा और फिर आपने जाइलम सेल्स पढ़े। नेक्स्ट है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो अब क्लास यहाँ पे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो प्लांट में ही क्लास हम एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा जो है सॉइल का, यहाँ पे ये मौजूद हैं रूट्स, ठीक है जी, ये रूट्स मौजूद हैं। रूट्स के ऊपर आपको पता है क्लास मौजूद होते हैं रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए क्लास बना देती हूँ, पेपर में डायग्राम जब भी आपने बनानी है रेंज उसकी नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा बड़ी डायग्राम नहीं बनानी, फिर जाहिर है उसकी फिलिंग में भी टाइम लग जाता है। इतनी बनाए जो वाजिया सही प्रॉपर नज़र आए, खूबसूरत लगे बनाने में। तो इसके ऊपर क्लास यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया ये किसका है, ये है जी रूट्स का। ठीक है, रूट्स के ऊपर जो है वो क्या मौजूद हैं, रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। रूट हेयर्स, अब यहाँ पे क्लास रूट हेयर्स और रूट्स इनका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, फैलाओ जिसे आप कहते हैं, जैसे लार्ज साइज ट्रीज होते हैं तो उसकी जड़ें, उसकी रूट्स जो हैं वो ज़मीन में ज़्यादातर एरिया घेरे हुए होते हैं। अब जितनी ज़्यादा जो है वो रूट्स का फैलाव होगा उतना ही ज़्यादा ऊपर रूट हेयर्स भी मौजूद होंगे। जितने रूट्स हेयर्स जो हैं मौजूद होंगे उतने एरिए से वो क्या करेंगे, वाटर और साल्ट जो है वो प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करेंगे। जितना लार्ज साइज्ड प्लांट होगा उसकी रूट्स जो हैं वो ज़मीन में उतनी ही ज़्यादा फैली हुई होंगी, ज़्यादा जो है वो एरिया कवर किए हुए होंगी, उतने ही एरिए में रूट्स के ऊपर रूट हेयर्स मौजूद होंगे, वो साल्ट और वाटर अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे और प्लांट को सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लार्ज साइज प्लांट को फ़ायदा होगा, जितना जो है वो रूट्स जो है वो फैली हुई होंगी, जितना उनका सरफेस एरिया फैला हुआ होगा उतना ज़्यादा उनके ऊपर रूट हेयर्स होंगे, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, ज़मीन से सॉइल से साल्ट और वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और प्लांट बॉडी को सप्लाई जो है वो करेंगे।
उसके बाद प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज, जैसे क्लास प्लांट्स हैं उसमें ऑर्गेनेली प्लास्टिड होना ज़रूरी है, प्लास्टिड्स का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, यानी प्लास्टिड्स जो हैं वो तमाम जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स में मौजूद नहीं होते, प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं प्लास्टिड्स, और बाकी अगर हम कहें एनिमल सेल उसमें क्या है जी, ये एब्सेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना है। इसी तरह ऐसे सेल्स जिन्होंने सक्रीशंस वगैरह जिनमें ज़्यादा होती हैं, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करना है, सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करना है उन्होंने मटेरियल वो सक्रीशंस की सूरत में, और सेल के बाहर दूसरे सेल्स को भी उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उस चीज़ की करनी है। तो ऐसे जो हैं सेल्स जो होते हैं उन सेल्स के अंदर जिन्होंने ये सक्रीशंस वगैरह करनी होती है, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर दूसरे सेल्स में, तो उनके अंदर क्लास मोर कॉम्प्लेक्स ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। जिस तरह क्लास हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह फैक्ट्री से सप्लाई करनी है, फैक्ट्री के अंदर सप्लाई करनी है, चाहे वो फूड फैक्ट्री है चाहे वो कोई भी फैक्ट्री है, या दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी है, तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन उसकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपने ईआर में पढ़ा था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा था कि इसके पास जो भी गोल्जी वेसिकल्स आते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं जो ईआर से आते हैं, ये उसे बड़ा अच्छा जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर पैक कर देता है, और पैक करने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, इन द फॉर्म ऑफ सक्रीशंस। ठीक है, तो ये यूटिलाइज हो जाएंगे। उसके बाद क्लास आगे जो है वो हम इनका आपने स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा, अब हम इन सेल्स के बारे में थोड़ा सा फंक्शन जो है वो पढ़ेंगे, जैसे नर्व सेल्स। थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जो है वो आ जाएगी। अभी आपने सारे सेल्स के स्ट्रक्चर पढ़े, अब हम उन सेल के फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो पढ़ते जाएंगे, जैसे नर्व सेल्स। ये क्या करते हैं, कंडक्ट नर्व इम्पल्स, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होती है। दे कंडक्ट द नर्व इम्पल्स, और इस नर्व इम्पल्स के नतीजे में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। एग्जांपल अभी मैंने आपको दी, अगर हम भागना शुरू कर दें उसके नतीजे में आप देखें पूरी बॉडी के मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, पूरी बॉडी को ब्रेन से ऑर्डर मिल जाता है, पूरी बॉडी में नर्व सेल्स का नेटवर्क जो फैला हुआ है, जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही होती हैं वो तमाम नर्व्स जो होती हैं उनमें क्या फ्लो कर रहा होता है, नर्व इम्पल्स फ्लो कर रही होती है। उसके बाद उनको ब्रेन से ऑर्डर मिलता है पूरी बॉडी के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का, जिसके नतीजे में हम भागना शुरू कर देते हैं। तो ये है कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी, या आप यूँ भी कह लें कि मैं एक ही वक्त में बोल भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, हाथ भी हिला रही हूँ,
थोड़ा सा मूव भी कर रही हूँ और साथ में आपको बताती भी जा रही हूँ, तो ये मेरी पूरी बॉडी के मसल्स या पूरी बॉडी में क्या है, कोऑर्डिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है मसल सेल्स, मसल सेल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दे अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, इसके नतीजे में क्या होता है, मूवमेंट्स इन द बॉडी, मूवमेंट्स इन द बॉडी, बॉडी जो है वो मूव करती है, चाहे बैठे हुए हम कोई चीज़ पकड़ रहे हैं ये भी मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उसे हम लोकोमोशन का नाम दे देते हैं, अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में आप उसको पढ़ेंगे। यानी मसल सेल दे अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनका क्या काम है मसल सेल्स का, कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है। नेक्स्ट है क्लास रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन, ठीक है जी, ऑक्सीजन कैरी करते हैं और उसे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट उसको करते हैं, जिसके नतीजे में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, अलॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, जो हम लोग अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पर WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये क्या काम करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स दे किल द फॉरेन जर्म्स, ठीक है, ये क्या करते हैं हमारी पूरी बॉडी, ये करते हैं जी जर्म्स को किल करते हैं, फॉरेन जर्म्स जो बाहर से बॉडी में दाखिल होते हैं उन जर्म्स को किल करते हैं, यानी हमारी पूरी बॉडी को क्या करते हैं, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द जर्म्स, ये फंक्शन है WBCs का। नेक्स्ट है क्लास स्किन सेल्स, ये कल भी आपको बताया था, पढ़ाया था कि जो स्किन सेल्स होते हैं, अब स्किन सेल्स क्या काम करते हैं क्लास, बैरियर का काम करते हैं, रुकावट, किस चीज़ की रुकावट, हमारी बॉडी में क्लास स्किन की वजह से डायरेक्टली कोई भी इंसेक्ट कोई भी जर्म जो है वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये हमारी पूरी बॉडी को क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन जर्म्स, इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज, कुछ भी आप इसमें फर्दर के डायरेक्टली जो है वो इन्वायरमेंट से कोई भी जो है वो जर्म इंसेक्ट वगैरह हमारी बॉडी में दाखिल नहीं हो सकता, किसकी वजह से, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग की वजह से जो एक्ट करती है एज अ बैरियर। इसके अलावा इस स्किन सेल्स जो हैं इनके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, इसी स्किन में मौजूद होते हैं, कौन से रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, टम्परेचर के, टच के और पेन के, यानी अगर कोई कट वगैरह लग जाए तो इसी स्किन पर हमें पेन और दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है, किसी गर्म चीज़ को हाथ लग जाए तब भी जो है वो हम इसी स्किन पे फील करते हैं, अगर टम्परेचर जो है यानी कोई चीज़ गर्म है सर्द है या पेन है तो इसके तमाम रिसेप्टर्स जो है वो स्किन में ही मौजूद होते हैं, स्किन की वजह से ही हमें जो है वो ये फीलिंग्स आती हैं। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पर बोन सेल्स। बोन सेल्स डिपॉजिट करते हैं कैल्शियम, बोन सेल्स दे डिपॉजिट कैल्शियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस
यानी बोन में जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस होती हैं उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बोन जो है वो क्या हो जाती है, बोन बिकम टफ। यानी टफ वैसे मुश्किल को कहते हैं, यहाँ पे आएगा हार्ड के मीनिंग में कि बोन जो है वो क्या हो जाती है, टफ, हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, और ये हमारी पूरी बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है जी, पूरी बॉडी को ये बोन्स को क्या करती हैं, सपोर्ट। ये कैल्शियम जो है सपोर्ट द बॉडी, यानी ये बोन्स जो होती हैं ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, और बोन्स को टफ होने के लिए क्या चीज़ चाहिए, कैल्शियम। ये आपने सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन पढ़ा, इसके नीचे छोटा सा टॉपिक है क्लास, यहाँ पे सेल एज एन ओपन सिस्टम, के सेल जो है वो एज एन ओपन सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्लास इसको देख लीजिए, सेल एज एन ओपन सिस्टम, फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसका एनवायरनमेंट है, ये इसकी सारी सराउंडिंग है, ये अपनी सराउंडिंग से क्या लेता है, फूड वैक्यूल की सूरत में फूड मटेरियल लेता है, ठीक है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो अपनी सराउंडिंग से सेल ने लेना है। ये क्या है जी, ये एक सेल का स्ट्रक्चर पूरा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा आपको ड्रॉ किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पूरा क्या है जी, सेल है। सेल अपनी सराउंडिंग से क्या लेता है, फूड मटेरियल हासिल करता है। फूड मटेरियल किस मकसद के लिए हासिल करेगा, ये हासिल करेगा फूड मटेरियल फॉर दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, और उन एक्टिव उसके बाद यानी मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इसको ये फूड मटेरियल को यूज़ करेगा, फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होगा। अब इसके नतीजे में क्लास, इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। प्रोडक्ट जो हासिलात, जो चीज़ें चाहिए ज़रूरी, उन्हें कहेंगे प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट्स जो एक्स्ट्रा जायद चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स जो हैं क्लास, वो क्या है, सेल जो है वो अपने इंटरनल जो है वो यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल करेगा, अपने यूज़ के लिए भी और उसे ट्रांसपोर्ट भी करेगा। यानी ये इंटरनल यूज़ के लिए भी उसको रखेगा, प्लस ट्रांसपोर्ट टू द अदर सेल्स, ट्रांसपोर्ट टू अदर सेल्स, ये दूसरे सेल्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा उस मटेरियल को। बाय प्रोडक्ट्स क्लास, ये भी वो अपने यूज़ के लिए भी रखेगा, और अगर जो है वो ज़्यादा है तो वो क्या है जी, उसे एक्सक्रीट भी कर देगा। ये बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर करेगा, और अगर ज़्यादा है तो बॉडी से क्या करेगा, इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट, तो ये सेल से एक्सक्रीट हो जाएंगे। यानी सेल एज एन ओपन सिस्टम है क्लास, सेल जो है वो अपनी सराउंडिंग से मटेरियल हासिल करता है और उस मटेरियल को यूज़ करता है कहाँ, मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म में यूज़ करेगा उस यानी उसे ब्रेक डाउन करेगा, उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनेंगे, बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे। प्रोडक्ट्स को वो इंटरनल यूज़ करेगा, यानी सेल खुद यूज़ करेगा या दूसरे सेल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो जो जायद चीज़ें उस नतीजे में बनी होंगी, अगर या तो उन्हें जो है वो सेल अपने अंदर स्टोर कर लेगा, अगर फिर भी वो स्टोर करने के बाद बच जाती हैं तो दे विल बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, तो वो सेल से एक्सक्रीट हो जाएंगी। आज का लेक्चर क्लास आपका कंप्लीट हुआ, अल्लाह हाफिज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए और उन उसके बाद यानी मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इसको ये फूड मटेरियल को यूज़ करेगा, फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होगा। अब इसके नतीजे में क्लास, इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। प्रोडक्ट जो हासिलात, जो चीज़ें चाहिए
ज़रूरी, उन्हें कहेंगे प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट्स जो एक्स्ट्रा जायद चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स जो हैं क्लास, वो क्या है, सेल जो है वो अपने इंटरनल जो है वो यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल करेगा, अपने यूज़ के लिए भी और उसे ट्रांसपोर्ट भी करेगा, यानी ये इंटरनल यूज़ के लिए भी उसको रखेगा प्लस ट्रांसपोर्ट टू द अदर सेल्स, ट्रांसपोर्ट टू अदर सेल्स, ये दूसरे सेल्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा उस मटेरियल को। बाय प्रोडक्ट्स क्लास, ये भी वो अपने यूज़ के लिए भी रखेगा और अगर जो है वो ज़्यादा है तो वो क्या है जी, उसे एक्सक्रीट भी कर देगा। ये बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर करेगा और अगर ज़्यादा है तो बॉडी से क्या करेगा, इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट, तो ये सेल से एक्सक्रीट हो जाएंगे। यानी सेल एज एन ओपन सिस्टम है क्लास, सेल जो है वो अपनी सराउंडिंग से मटेरियल हासिल करता है और उस मटेरियल को यूज़ करता है कहाँ, मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म में यूज़ करेगा उस यानी उसे ब्रेक डाउन करेगा, उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनेंगे, बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स को वो इंटरनल यूज़ करेगा यानी सेल खुद यूज़ करेगा या दूसरे सेल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो जो जायद चीज़ें उस नतीजे में बनी होंगी अगर जाओ तो उन्हें जो है वो सेल अपने अंदर स्टोर कर लेगा, अगर फिर भी वो स्टोर करने के बाद बच जाती हैं तो दे विल बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, तो वो सेल से एक्सक्रीट हो जाएंगी। आज का लेक्चर क्लास आपका कंप्लीट हुआ, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।